सामने विराजमान सभी सत्संग भजन प्रेमी और मंच पर विराजमान सम्मानीय हमारे गुरु गुलाम हुसैन साहब और बलदेव भाई, संपत महाराज, दादू भाई और हमारे ढोलक वाले भाई साहब, सभी जितने भी कलाकार बंधु, सभी को मैं भंवर अली सभी को प्रणाम करता हूँ। एक बार बुलंद आवाज के साथ जयघोष करें। सभी संगत से निवेदन करूंगा, एक थोड़ा सा रिबब हल्का सा बोलो। सती दादी महाराज की, बोलो मेगा सरधाम की, भक्त और भगवान की। आइए सबसे पहले मैं किसी भी मंच पे जाता हूं तो इसी भजन से मेरी शुरुआत रहती है, उसके बाद में जो मुझे आता है मैं कोशिश करूंगा, क्योंकि मेघासर एक ऐसी जगह जो सुरों की सुर को समझने वाले, संगीत को समझने वाले लोग यहाँ रहते, क्योंकि हमारे गुरुओं ने यहाँ बहुत समय निकाला है। मेरे गुरु जितना भी मैं गा रहा हूं ये इस घर की देन है, एक बार ताली बजा दीजिए इनके लिए। गुलाम हुसैन साहब, इनके बड़े भाई अब्दुल शकूर सुलेमानी साहब, जिनसे मैंने थोड़ा बहुत ये सीखा है जो भी मैं गा रहा हूं। तो सबसे पहले उसी भजन से मैं शुरुआत करता हूं, उसके बाद में जो आदेश होगा जैसा मुझे आता है मैं कोशिश करूंगा। एक बार फिर बुलंद आवाज के साथ बोले, बोलो सती दादी महाराज की। हाँ बलदेव भाई भेजो बजाओ। बड़ा ही पावन धाम है ये, जैसा मैंने सुना इस दरबार में, इस दरबार के बारे में। सती दादी महाराज पंचारिया कुल में जन्मे, और जो सच्ची सच्ची श्रद्धा से सच्ची भावना से मानता है बिना बेड़ा पार हुए, मानने का भाव जरूर होना चाहिए। तो देखिए बड़ा ही सुंदर भजन है, आप लोगों के समक्ष में पेश कर रहा हूं, एक एक शब्द को गौर से सुनिएगा। भी बंदे की ना थोड़ा शार्प और करो, हल्का सा वॉल्यूम बढ़ाओ मेरा। हेलो हेलो, थोड़ा डीले करो। हेलो हेलो, हाँ परिवार और ये पूरा गांव क्या कहता है सुनिएगा। कहा जितना दिया मेरी माँ ने, जितना दिया मेरी दादी ने, उतनी मेरी औकात नहीं कि जितना दिया मेरी दादी ने उतनी मेरी। अगर आदमी कह ली कि सब कुछ मैं करियो, की नहीं करियो, सब कुछ ईश्वर की
कि मारी कृपा वे जने आदमी कर पावे, वरना इंसान की कोई औकात नहीं। एक मिनट में पटाखो बोले। हाँ बल्दे भाई, जितना जितना उतनी मेरी औकात नहीं। ये तो कर्म है सती दादी महाराज का, वरना मुझ में तो ऐसी कोई बात नहीं। जिनको समझ में आया वो ताली बजाइए। हाँ यार, जीवता रोध है। घड़ी घड़ी हाथ खड़ा कौन करो, मन ध्यान है कि लेकिन अगर अच्छा लगे तो आप ताली जरूर बजाइए। ठीक है, तो कहा कि मां भक्ति खड़ा थारी द्वारी, ए भक्ति खड़ा है द्वारी, लिया छोटी सी अरदास दादी दर्शन देवो, के भले दर्शन देवो। आपको मैं कहूंगा, लेकिन अच्छा लगे तो ताली के साथ जरूर दान दे मेरा। 1 2 3 एक बार गाइए आप भी। के माने दर्शन देवो, माने आगरा तो के दर्शन देवो, बे लार लगे माने दर्शन देवो। वाह वाह, जीवता रो या नहीं देखो, थोड़ा सा बुलंद आवाज के साथ और ताली के साथ। के माने दर्शन देवो भैया जी, दर्शन देवो। गाइए, क्या बात है। दादा दा रे 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 द
पीछे भक्त में भगवान कभी नहीं मिले तो कहा हाँ भैया बहुत अच्छी मेहनत कर रहे हैं दौलत पर भाई राम जी की गांव रही है एक बार भाई वास्तव ताली बजाओ आइया नहीं है मैं देखो घर का जोगी जोगी और बाहर का जोगी सीधे घर के कलाकार की आप इज्जत करेंगे तो उसकी बार इज्जत होगी एक बार ताली बजाइए इस कलाकार के लिए जोरदार तबले पे उस्ताद गुलाम हुसैन साहब जो किसी परीक्षा के मोहताज नहीं आपके घर के सदस्य ये भी गाँव में बहुत हाजरी लगाई है गुरु जी और मेरा भतीजा सुभाष भाई बंदे हो भाई और सभी कलाकार अपने अपने तरीके से हाजिरी लगाते हैं अंतिम लाइन कहा ऊंचे ऊंचे मंदिर ऊपर ध्वजा फहरों की थाली ऊंचे ऊंचे मंदिर ऊपर ध्वजा फहरों की थाली दर्शन देवो मन दर्शन देवो मन दर्शन देवो मन दर्शन देवो भक्ति करया थारी दर भक्ति करया थारी दर किया छोटी जी अरदास दर्शन देवो दर्शन देवो दर्शन देवो दर्शन देवो बहुत बढ़िया हो गया
दादा करी रे रे की दादा करी रे रे की दादा करी रे रे की दादा करी अच्छा लगा तेरे पर ताली बजा दी जोरदार बोलो सती दादी महाराज की मेगा सर धाम की अपने अपने मात पिता गुरुदेव की जय हो जीवता रो थे आइया थोड़ा सा कॉन्फिडेंस बढ़ाता हो तो कि अगर आपने कोई फरमाइश भी हुए जो भजन में मुझसे आपने सुने होंगे तो आप मुझे फरमाइश जरूर करें मैं आपकी फरमाइश पूरी करने की कोशिश करूंगा दूसरा गाना